Hi, thanks for watching the other video that I made with Navya, and I bake cookies with her. And today I'm gonna make Indian desi dal bati churma और रायता. आज शाम को हमारे घर पे फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं आज स्पेशल दाल बाटी चूरमा बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल बना रही हूँ. तो लेट्स गेट इनटू इट. सो लेट्स स्टार्ट विद दाल फर्स्ट. तो मैंने दाल पहले से सोक करके रखी हुई है. इसमें मैंने मेन जो सबसे ज्यादा दाल है वो है तुअर की दाल, चना दाल, थोड़ी सी उड़द की दाल और मूंग दाल. ये मैंने इसमें भिगो के रखी थी. एक घंटा हो चुका है इसको भिगे हुए. और इसका पोर्शन जो है मेरे को कटोरी वाइज अंदाजा, मैं अंदाजे से बना रही हूँ 8 से 10 लोगों के लिए. तो मैंने एक्चुअली यू कैन से 60% मेन तुअर दाल ली है, उसके बाद 10-10% हर दाल ली है. तो दैट इज इजी कैलकुलेशन आई थिंक. सो एंड अब बस आई एम गोना बॉइल दाल. और इसके लिए शायद 3 सीटी मेरे पास बड़ा कुकर है. इसके लिए इसके अंदर जस्ट 2 स्पून ऑफ सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी एंड ये वाली लाल मिर्च, होल लाल मिर्च और कच्चा गार्लिक. हाँ, मैंने इसमें 5 किए थे बड़े वाले गार्लिक क्लोव्स, तो इतना गार्लिक. एंड जब दाल बाटी बना रहे हैं तो उसके साथ में घी, तो 1 चम्मच घी आप उसमें जब बॉईल कर रहे हो दाल तभी उसके अंदर डाल दो. दाल बाटी है तो काफी रिच होगा. तो जब तक दाल बॉईल हो रही है, लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर चटनी. मैंने पहले से ही गार्लिक पील करके रखे हुए हैं. 10 से 12 लोग आने वाले हैं शाम को, तो इसके लिए चटनी के लिए इतनी सारी गार्लिक लगेगी. इट्स प्योर गार्लिक पेस्ट टाइप चटनी होती है इसकी दाल बाटी के साथ. तो ये सब कुछ, और हाँ एक ये लाल मिर्च मैं पहले ग्राइंडर में डाल रही हूँ. ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसके लिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ. और इसी के अंदर जीरा और थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड नमक. जीरा इज लाइक 1 स्मॉल स्पून एंड थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड हल्का सा नमक. इसको ग्राइंड करके घी के अंदर तड़का लगाएंगे चटनी के लिए. इसका पेस्ट अब हो गया रेडी. बट बिफोर गार्लिक की चटनी बनाने से पहले प्लीज अपने बाल बांध ले, फिर तो फिर सब बालों में ना गार्लिक की स्मेल हो जाएगी. तो नाउ ये पेस्ट कंसिस्टेंसी ऐसी है, नॉट वेरी स्मूथ, लाइक इन बिटवीन. अब मैं एक छोटे पैन में घी गरम कर लूं. घी के लिए 2 बड़े चम्मच ये साइज के और इतनी क्वांटिटी की घी चाहिए. घी गर्म हो गया, इसके अंदर हम लोग ये गार्लिक का जो भी पेस्ट था वी गोना ऐड. बस इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहो, नहीं तो फिर ये नीचे गार्लिक लग भी सकता है. तो आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान रखना कि गार्लिक नीचे लग ना जाए. गार्लिक की स्मेल अच्छी आने लगे तो उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च. एक्चुअली लाल मिर्च 2 चम्मच क्योंकि बहुत ही स्पाइसी चटनी होती है. और जब तक इसमें घी नहीं छोड़ देता तब तक इसको पकाना. एकदम चटनी से घी अलग हो जाएगा, मतलब ये गार्लिक पेस्ट से बिल्कुल घी अलग आ जाएगा. तब तक हमें इसको सिम पे करके छोड़ देना. जब तक चटनी और दाल गैस पे है तो वी प्रिपेयर द आटा फॉर बाटी एंड चूरमा. तो बाटी के आटे के लिए आपको मैं बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या लिया है. तो बाटी के आटे में सबसे ज़्यादा गेहूँ का आटा, नॉर्मल जो हमारा रोटी का आटा होता है वो मैंने आई टुक इट ऑलमोस्ट 50% एंड बाद में मैंने लिया है 10% बेसन, 20% अपना बाजरा एंड रेस्ट ऑफ इट सूजी और थोड़ा सा ज़रा सा यू कैन से 5% जितना मैंने लिया मोटा आटा. और उसके अंदर मैंने डाला है अजवाइन
और सॉल्ट अभी मैं डालूंगी, अजवाइन मैंने डाल चुकी हूँ, सॉल्ट एंड थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। और इसमें मून के लिए, ताकि एकदम सॉफ्ट और अच्छी बने बाटी, उसके लिए विल टेक 2 स्पून ऑफ घी या तेल। आई एम गोना यूज ऑयल इन इट, सो 2 स्पून ऑयल, और फिर बाद में इसका आटा लगाना है नॉर्मल पानी से। तो आटा हो गया तैयार, ठीक है। बाटी का ये है, बाटी का ये है चूरमे का। तो बाटी के आटे को मैं जस्ट थोड़ा सा ऑयल कोट करके, जब खाना होगा तब मैं बाटी को राउंड बोल करके, देन यू विल पुट इट इन अवन, गरम रहे ताकि। अब हो गया चूरमे के लिए, ये जो आटा लगाया मैंने रोटी से थोड़ा सा टाइट है, और बाटी का आटा बहुत टाइट लगा था। अब इसकी क्या करना है, रोटियां बना लेनी है मोटी मोटी, जितनी भी शायद उसमें 5 बड़ी बड़ी रोटले या लाइक थिक रोटी बनेगी, उसको पहले सेक के फिर मिक्सर में क्रश करना है जब वो रोटी थोड़ी सी ठंडी हो जाए। इसके लिए अपने को रोटी बनानी है, पर उसके पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि प्लीज आप देखो कि इसमें घी बिल्कुल छोड़ दिया है चटनी ने, एज यू कैन सी हियर, तो ऑलमोस्ट डन है, बस 2 मिनट इसको और पकाना है एंड देन हमारी चटनी मुझे ना बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो, क्योंकि ये मेरा तरीका है, इसको मैंने ना मिक्स किया है, जो मेरी मॉम करती थी, जो मेरी सिस्टर करती है, सब कुछ करके मैंने एक अपना एक यूनिक इजी तरीका बनाया है। और आज फ्रेंड्स को खाने के बाद मैं उनका रिव्यू भी एक सेकंड वीडियो में पोस्ट करूंगी कि उनको कैसा लगा। तो आप लोग भी बताना मुझे कि आप कैसे दाल बाटी बनाते हो और आप क्या ट्रिक्स यूज करते हो। ये जो मैं जो करती हूँ आपको बता रही हूँ कि हाँ ये सिंपल एंड ईजी तरीके से, बट काफी कुछ ट्रेडिशनल इसमें फ्लेवर आ जाता है। तो बस अब मैं कुछ भी अनइवनली जो भी हाथ में आ रहा है वैसे करके, और मैं इसके मोटी मोटी रोटियां बना के इसको मैं सेक लूंगी। बस अब मैं इसमें कैसे भी रोटी मोटी से बना के मैं इस पे तवे पे डाल रही हूँ, और इसको ज्यादा नहीं पकाना है, हाफ कुक करनी है रोटी को, और फिर बाद में इसको मिक्सी में पीस लेना है। मैं ज्यादा आटा करके कर रही हूँ, बस अब जितनी भी मेरी मेहनत है ना पार्टी की, अभी खाना बनाने के बाद जाएगी खत्म, फिर आशीष करेगा सबको ड्रिंक सर्व, है ना आशीष? करोगे ना? अब दाल को तड़का और साइड बाय साइड चूरमे में घी करना और इसमें ड्राई फ्रूट्स नट्स वगैरह फ्राई करना साथ में करते हैं। तो बस अब दाल के तड़के के लिए मैंने वही वाला बर्तन धो के रख लिया है जिसमें मैंने पहले बाटी का आटा लगाया था। तो दाल का तड़का आप घी में भी लगा सकते हो, तेल में भी लगा सकते हो, मैं आज इसको तेल में लगाऊंगी क्योंकि घी बहुत ज्यादा होने वाला है बाटी में और चूरमे में। तो इसके लिए तेल में लगाएंगे तड़का। दाल के तड़के के लिए मैंने पहले से ही 2 बड़े वाले प्याज और 3 टमाटर काट के रखे हुए हैं, और थोड़ा सा गार्लिक है जो ये 3 जो उस टाइम पे मैंने लिया था, आई थिंक 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक है, और 2 ग्रीन चिलीज मैंने काट के रखी हुई है। तो पहले मैं लगाऊंगी तेल, मेन सब लोग दाल के साथ ही खाने वाले हैं, तो ऑफकोर्स दाल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से मुझे तड़के के लिए तेल भी ज़्यादा डालना पड़ रहा है। तो मैंने ऐसे 5 स्पून तेल के डाले, जैसे तेल गरम होगा इसके अंदर मैं पहले डालूंगी लहसुन, फिर हरी मिर्च, और फिर प्याज एंड अनियन। और हाँ, इसके लिए मैंने सूखा मसाला भी ऐड करना है। तो तड़के के लिए मैंने लिया है ये एक बड़ी लाल मिर्च, तेज पत्ता, एक आधी लौंग, थोड़ा सा हरा धनिया, मेथी के दाने और अजवाइन। मेथी के दाने और अजवाइन इसके लिए क्योंकि बहुत ही हैवी डिश है दाल बाटी, तो थोड़ा डाइजेशन के लिए अच्छा रहे इसीलिए मैं उसमें मेथी और अजवाइन डाल रही हूँ। तेल गरम हो गया है, और हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हींग मैं भूल गई, हींग भी डाली है, थोड़ी सी हींग।
our jeera. हींग के बाद मैंने डाला इसमें जीरा 2 बड़े चम्मच. सबका अपना तरीका है बनाने का दाल बाटी का. ये मेरा खुद का तरीका है. तो लाइक आई एम नॉट अ प्रोफेशनलिस्ट, बट हाँ मैं जब भी ये बनाती हूँ तो सबको बहुत अच्छा लगता है. तो याद तो हो सकता है उसके पहले वो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, इसीलिए उन्हें अच्छा लगता है या उन्हें बाहर वाकई में अच्छा लगता है. वो मैं आपको नेक्स्ट इसका एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं रिव्यू भी डालूंगी कि सब लोगों ने खाते टाइम क्या बोला अगर हो सका तो. बस तेल हो गया, अब इसमें डालूंगी गार्लिक. और थोड़ा सा जब गार्लिक हल्का सा ब्राउन हो जाए तभी मैं इसमें डालूंगी अनियन. चूरमा बनाने के लिए घी गरम कर रही हूँ. तो चूरने के लिए एक पैन में काफी सारा घी, तो मैं कुछ ऐसा मेजरमेंट नहीं करती हूँ. मैंने जितना आटा लिया था, मैंने 4 बिग कप्स आटा लिया था चूरमे के लिए, और मैं उसी हिसाब से घी 2 बड़े चम्मच डालने वाली हूँ, 2 से 3 चम्मच. तो आई सी की कितना जरूरत पड़ेगी चूरमे में, उस हिसाब से आई डो इट. तो ये है पिसा हुआ पिसी रोटियां जो मैंने करी थी उसके अंदर ग्राइंडर के अंदर. अब जब ये घी गर्म होगा इसके अंदर मैं डाल दूंगी नट्स. नट्स के लिए मैंने अभी निकाल के रखा हुआ है, साइड बाय साइड अनियन को भी चलाते हुए. 1 कप बादाम, 1 कप कैशू, मैंने इसको थोड़ा सा कूट लिया है. और फिर मैं यही इसको घी में डालूंगी, और इसके साथ में डालूंगी थोड़े से द्राक्ष, पिस्ता और इलायची, पर इलायची सबसे एंड में. और चूरमे में मैं थोड़ा सा आलमंड फ्लावर भी यूज कर लेती हूँ. जैसे आटा जब डालेंगे जो इसमें पकेगा तभी मैं इसमें 2 चम्मच आलमंड फ्लावर डालती हूँ. उससे क्या थोड़ा सा नटी फ्लेवर आता है चूरमे में और बहुत अच्छा लगता है. एक तो आलमंड फ्लावर और दूसरी चीज़ है कोकोनट फ्लेक्स, जो कोकोनट ड्राई कोकोनट के जो पाउडर आता है वो वाला कोकोनट पाउडर, सिर्फ 2-3 चम्मच, ज़्यादा नहीं. जरा से पिस्ता भी डाल दें. बस ये नट्स हो गए थोड़े से फ्राइड. अब इसमें टाइम है हमारा पिसी हुई रोटियां डालने का. अब मैं इनके साथ ही मैं शुगर भी डाल दूंगी. तो शुगर भी अंदाजे से कि जितना आटा है उससे आप ऊपर से भी डालोगे तो भी अंदाजा आ जाएगा. आई कैन शो यू कि मैं क्या करती हूँ. मैं 2 बड़े चम्मच लेके शुगर के इसके ऊपर डालने वाली हूँ. मैं ब्राउन शुगर यूज करती हूँ, तो यह है ब्राउन शुगर और जस्ट गोना गो लाइक दैट. सो दिस इज अ 1 स्पून. दिस इज अ 2 स्पून. आई थिंक ये 2 चम्मच काफी है. लेट्स सी. बस अब इसे मिक्स कर लेना अच्छे से, और अगर लगे कि घी की जरूरत थोड़ी ज्यादा है तो उसके अंदर और घी ऐड कर सकते हैं. और इसको हल्की सिम गैस पे पकने देना है. अब अनियन काफी हद तक पक गए हैं, अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी टमाटो, और टमाटो के साथ साथ ही हल्दी.
लाल मिर्च धनिया पाउडर जो यूजुअल हमारा इंडियन स्पाइसेस रहते हैं, सो दो बड़े चम्मच हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया दो फुल बड़े चम्मच और दो बड़े चम्मच सॉल्ट, फुल चम्मच। जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें हम आलमंड फ्लावर डालेंगे, तो अब हम डालेंगे दो चम्मच। ये हो गया हमारा चूरमा तैयार। चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, मैं इसको ऐसे खुला ही रखूंगी ताकि प्लेट में अच्छे से स्प्रेड हो जाए, वरना आप इसके थोड़ा जब ठंडा हो जाए उसके इसके लड्डू बना सकते हैं। तब हो गया चूरमा तैयार। और अगर आप शुगर ज्यादा खाते हैं तो आप इसमें एक और चम्मच शुगर ऐड कर सकते हैं। अब शुगर एंड घी का तो ये हिसाब है, जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा टेस्टी लगेगा, बट हमारे हिसाब से अभी हमें बहुत ज्यादा डाला है, तो ये आपके अपने ऊपर है कि आपको कितना शुगर एंड घी पसंद है चूरमे में। लड्डू बनाना हो तो इसमें एक चम्मच घी अभी और जाएगा ताकि वो अच्छे से बंध जाए लड्डू। अब बस ये तड़का ऑलमोस्ट तैयार है। जब ये टमाटर अच्छे से पक जाए इसमें सारा दाल मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। दाल इज रेडी। मैंने तड़के में पूरी जो दाल जो बॉईल करी थी सब कुछ डाल दिया उसके अंदर। That's amazing food. It's remind me, you know, the pure Rajasthani traditional food. The dal bati, it's really good. Dal is really smoky flavor and bati is very crispy from outside. So it's amazing. So you like it? आपको अच्छा लगा ना overall? Yeah. 9 out of 10. चलो 10 out of 10 दे दिया। What do you think, Saurus? Okay. Obviously, had it for after a long time, but it's still got a close to India taste. Yeah, right? It is really good. Like it. Yeah. Best thing for me is the lassi chutney. Wow. It is really amazing. I can eat a lot of it by itself. Pretty much. But yeah, dal bati is definitely. Thank you. Look, bhaiya is enjoying. Oh yeah, amazing. Paru. Simple and short, isn't it? Oh wow, thank you. Say it again. Nikita, what's your views? I'm just enjoying food too much. It's very amazing. Authentic Rajasthani food. Amazing garlic chutney. Say it, Aman. Aman, say it. So even this
So today's my birthday and my ghee cooks all those things for me like dal bati, churma and raita and all those things. I mean, you want to eat your food? And I'm enjoying it. So for my side, it's 10 out of 10. 10 out of 10.